नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ग्रह स्थिति जानते हैं हम 30 तारीख की। 30 तारीख की ग्रह स्थिति है, मिथुन राशि में राहु है, कन्या राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र, तुला राशि में बुध का परिवर्तन हो चुका है, चंद्रमा वहीं पे जाकर के विराजमान हो गए हैं, वृश्चिक राशि में गुरु हैं और धनु राशि में शनि और केतु का गोचर चल रहा है। राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, बड़ी अच्छी स्थिति है। जीवन साथी का जो है ना व्यवसायिक स्तर बहुत बढ़ रहा, आपका भी व्यवसायिक स्तर बढ़ रहा है, भाग्यवश कोई काम होने वाला है, प्रेम प्रसंग भी आपका जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है और एक व्यापारिक बढ़ोतरी के साथ आप जीवन जी रहे हैं, रंगीन बने रहेंगे, अच्छी स्थिति है। वृषभ राशि की स्थिति जो है वो थोड़ा सा बच के पार करने वाली स्थिति आ गई है, क्योंकि चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं आप, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपको बनेगी। मिथुन राशि की स्थिति बिल्कुल कुछ चतुराई के साथ काम करने का योग बन रहा है, लिखने पढ़ने के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो है एक विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा समय आ गया है, लेखकों के लिए अच्छा समय आ गया है, संतान पक्ष से थोड़ा सा अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी, तो अच्छी स्थिति आपकी कही जाएगी। कर्क राशि का भूम भवन वाहन की खरीदारी या घर में कुछ खरीदारी का योग बन रहा है, घर में कुछ औद्योगिक विकास का स्थिति बन रहा है, एक अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। सिंह राशि, बहुत अच्छी ऊर्जा का संचार आपके जीवन में होने लगा है और हर व्यक्ति कंधा से कंधा मिला करके आपका साथ दे रहा है, तो एक अच्छी स्थिति कही जाएगी आपकी। कन्या राशि की स्थिति धन के मामले में, आर्थिक मामलों में कुछ अच्छा दिखाई पड़ने लगा है, आप द्वारा किया गया प्रयास, आर्थिक प्रयास खास करके आपको बढ़ोतरी दिला रहा है। तुला राशि की स्थिति पहले से थोड़ी सी बेहतर हो गई है, क्योंकि भाग्येश आपके लग्न में आ गए हैं और चंद्रमा भी आज लग्न में है, तो एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस चीज की जरूरत है उसकी उपलब्धता हो रही है, अच्छी स्थिति है। वृश्चिक राशि में थोड़ा सा खराब स्थिति कहा जाएगा, थोड़े खर्चे बढ़ रहे हैं, कर्ज की स्थिति आ रही है और कुछ चीजों का क्षरण हो रहा है, ऊर्जा का भी क्षरण हो रहा है, अज्ञात परेशानी का आप सोच आपके अंदर आएगी, थोड़ा सा बच के पार करने की आवश्यकता है। धनुराशि के लिए एक थोड़ी सी राहत की बात कही जाएगी, आर्थिक स्थिति थोड़ी सुदृढ़ होगी, थोड़ी मजबूत होगी, चली आ रही परेशानी धीरे धीरे निकल रही है, धीरे धीरे दूर हो रही है, थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। मकर राशि को कोर्ट कचहरी में विजय के संकेत दिख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और कुछ चली आ रही परेशानी, पैतृक संपत्ति से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर हो रही है। कुंभ राशि, भाग्यवश कोई काम बनेगा, आप परेशानियों से थोड़ा सा और उबर गए हैं, तो एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। मीन राशि, अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, किसी परेशानी में आप आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक निकालें तो अच्छा होगा। नमस्कार।